सनसनी ऑफ इंडिया। एक महिला का फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर उसे परेशान करने के आरोप में बदरपुर साइबर थाना पुलिस ने महिला के एक्स लवर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को आईपी एड्रेस के जरिए पकड़ा है। आरोपी का कहना है कि वो महिला के साथ बीते 10 साल से रिलेशन में था, अचानक महिला ने उससे बात करना बंद कर दिया तो उसने महिला को सबक सिखाने के लिए फर्जी अकाउंट बनाकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। आरोपी की पहचान नारायणा गांव दिल्ली निवासी 47 वर्षीय सौरभ ठाकुर के रूप में हुई है। दक्षिण पूर्व जिला DCP ईशा पांडेय ने बताया कि दिनांक 9 फरवरी 2022 को साइबर थाना पुलिस स्टेशन में एक पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कोई उसके नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उसके रिश्तेदारों व दोस्तों को अश्लील मैसेज भेज रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर रहा है। दक्षिण पूर्व जिला साइबर थाना प्रभारी कुलदीप शेखावत ने तुरंत FIR संख्या 9/2022 अंडर सेक्शन 354D 509 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दक्षिण पूर्व जिला DCP ईशा पांडेय ने आरोपी को दबोचने के लिए दक्षिण पूर्व जिला साइबर थाना प्रभारी कुलदीप शेखावत की सुपरविजन व SI मंजूर आलम के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल अजय नवीन और महिला कांस्टेबल शालू की एक क्रेक टीम का गठन किया। SI मंजूर आलम ने जिस सोशल मीडिया अकाउंट से आपत्तिजनक मैसेज आ रहे थे उसे सर्विलांस पर लगा दिया। इससे फर्जी फेसबुक प्रोफाइल का IP एड्रेस मिल गया। प्राप्त IP पता एक सस्पेक्ट व्यक्ति की एक्चुअल फेसबुक आईडी से मेल खाता था। जांच टीम ने दोनों फेसबुक आईडी को बारीकी से एनालाइज किया तो पता चला कि सस्पेक्ट अपनी फेसबुक आईडी के साथ साथ फर्जी फेसबुक आईडी को चलाने के लिए एक ही IP एड्रेस का इस्तेमाल कर रहा था। ये IP एड्रेस एक सौरभ ठाकुर की वास्तविक आईडी से मेल खाता था। इसके बाद SI मंजूर आलम की टीम ने नारायणा गांव दिल्ली निवासी 47 वर्षीय सौरभ ठाकुर पुत्र वीरेंद्र सिंह ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन, एक मैकबुक व एक वाईफाई राउटर बरामद किया गया है। आरोपी ने बताया कि वो महिला संगीता के साथ करीब 10 वर्षों से प्रेम संबंधों में था। दोनों एक विज्ञापन कंपनी में साथ काम करते थे। कोरोना काल में सौरभ ने अपनी विज्ञापन कंपनी खोल ली थी। पीड़िता किसी और विज्ञापन कंपनी में काम करने लगी। उसने सौरभ से दोस्ती तोड़ दी थी। आरोपी पीड़िता से दोस्ती जारी रखना चाहता था। महिला ने दोस्ती जारी रखने से मना कर दिया तो आरोपी ने सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर पीड़िता को बदनाम करना शुरू कर दिया था। वो फर्जी प्रोफाइल से अश्लील व आपत्तिजनक टिप्पणी करने लगा था। आरोपी पीड़िता की जासूसी भी करता था कि वो कहां जा रही है और किससे मिल रही है। इसके लिए उसने पीड़िता की कार में GPS ट्रैकर लगा दिया था। GPS ट्रैकर से वो महिला का पीछा करता था और हमेशा उसकी लोकेशन लेता रहता था। सौरभ ने स्नातक किया हुआ है। आरोपी की पिछली कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया कड़ी नजर। खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में।